हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका बकस क्लासरूम चैनल में। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना क्या है और इसमें जो है कैसे अकाउंट ओपन करके स्कीम का जो लाभ उठा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसका लिंक जो है मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वहां से भी आप इसको ओपन करके अपने मोबाइल में ऑनलाइन अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब जानते हैं कि इसका स्कीम का क्या डिटेल है। यहाँ सबसे पहले क्लिक करेंगे, देन होम में जाएंगे, प्रधानमंत्री योजना स्कीम पे क्लिक करेंगे या फर्स्ट योजना को ओपन करेंगे और यहाँ इसकी डिटेल देखेंगे कि कौन से लोग जो हैं अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ लिखा है, डिटेल्स पे क्लिक करेंगे, यहाँ आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी। जो अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर हैं, मान लीजिए जो कि होम बेस्ड काम करते हैं, रिक्शा चलाते हैं, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं और जो भी अपना छोटा मोटा बिजनेस करते हैं, उनके लिए ये स्कीम है। इसमें जो है एज जो है 18 से 40 साल तक की है, मंथली इनकम जो है वो 15,000 से कम की होनी चाहिए, वही अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। और इसमें वो अपना अकाउंट ओपन नहीं कर सकते जो ESI और PF से इंगेज हैं और अपना टैक्स पे करते हैं, वो लोग अपना अकाउंट ओपन नहीं कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इसमें जो महिलाएं पुरुष हैं दोनों ही अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं, पर ये शर्त है कि उनके पास आधार कार्ड जो होना चाहिए और सेविंग बैंक अकाउंट होना चाहिए। सेविंग बैंक अकाउंट और जनधन अकाउंट भी हो तो वो अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं और इस स्कीम का लाभ उठा सकते हैं। अब फ्रेंड्स, इसका देखते हैं कि बेनिफिट्स क्या हैं इस स्कीम्स के। इस स्कीम के बेनिफिट्स ये हैं कि आपको जो है 60 साल तक की एज होने के बाद ही 3,000 रुपये पर मंथ मिलेंगे एज ए पेंशन। अगर पहले ही आपकी उससे पहले डेथ हो जाती है तो जितना पैसा है उतना वो आपकी वाइफ को मिलेगा इंटरेस्ट के साथ, जितने साल भी आपने भरे हैं। और फ्रेंड्स, आप अगर इस स्कीम को बीच में ही क्लोज करवाना चाहते हैं तो आप क्लोज करवा के अपना जो है पैसा निकाल सकते हैं इंटरेस्ट के साथ। और डेथ होने के बाद किसी की वाइफ उसको कंटिन्यू स्कीम को चलाना चाहती है तो वो चला के पर मंथ जो है 3,000 रुपये पेंशन का ले सकती हैं बाद में। और फ्रेंड्स, जो है इस स्कीम में आपको भी कुछ कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा पर मंथ, पर वो कंट्रीब्यूट जो है ज़्यादा नहीं है, सिर्फ 200 रुपये तक का ही कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू एज। और फ्रेंड्स, एक इस स्कीम में ये भी है कि आपको अकाउंट जो है ये 60 साल तक बनने के बाद ही, आपकी एज 60 साल की हो जाएगी उसके बाद ही आपको 3,000 रुपये पर महीना मिलेगा, उससे पहले नहीं। तो यहाँ मंथली कंट्रीब्यूशन देखते हैं, मान लीजिए किसी की एज 20 साल है, आप देख सकते हैं अकॉर्डिंग टू चार्ट के दिया हुआ है, मान लीजिए किसी की एज 20 साल है और ये 60 एज जो है दिया हुआ है, यहाँ 61 रुपीज़ जो है उसको पर मंथ जमा करवाना होगा। गवर्नमेंट भी अपनी तरफ से पर मंथ 61 रुपीज़ डिपॉजिट करेगी और टोटल आपका जो है 122 रुपीज़ जो अकाउंट में डिपॉजिट होगा। ये पैसा आपकी जब एज हो जाएगी 60 ईयर्स, तब आपको 3,000 के रूप में पेंशन में मिलेगा। तो फ्रेंड्स, ये सब इसकी खासियत है योजना की। अगर आप इसको अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ आप क्लिक करेंगे, इसकी डिटेल देखेंगे। अगर आपके सर्विस कॉमन सर्विस सेंटर नियरेस्ट आपके है तो आप वहाँ पे ऑफलाइन जाके अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं और उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप अपना अकाउंट यहाँ ऑनलाइन ओपन करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप यहाँ क्लिक करेंगे, होम पे क्लिक करेंगे, यहाँ आप देखेंगे कि कितने फ्रेंड्स, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि कितने लोगों ने एनरोलमेंट करवा लिया है। अगर आप भी ऐसे ही अपना सेल्फ एनरोलमेंट करवाना चाहते हैं ऑनलाइन तो यहाँ क्लिक करेंगे और देखेंगे सेल्फ एनरोलमेंट यूजिंग मोबाइल नंबर एंड OTP। यहाँ पे आपको वही मोबाइल नंबर यूज़ करना है जो कि आपने बैंक अकाउंट में दिया हुआ है। अगर आप ऑनलाइन नहीं कर पा रहे हैं तो आप कोई कॉमन सर्विस सेंटर पे पता करके वहाँ भी अपना अकाउंट ओपन करवा सकते हैं, या लोक मित्र जैसे जो अकाउंट ओपन करते हैं उनसे भी कॉन्टेक्ट करके इस स्कीम का लाभ ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको आज का वीडियो यूज़फुल लगा हो, अच्छा लगा हो, तो अपने दोस्तों के साथ इस स्कीम के बारे में शेयर करें और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।